हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्नेकहेड फिशिंग आसाम में आपका स्वागत है। मैं आज थोड़ा हटके वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो है अनबॉक्सिंग का वीडियो, एक्सेसरीज का वीडियो जो मैंने ऑर्डर किया था। वो सामान आज डिलीवरी हो चुका है। वो सामान है मेरा एक्शन कैमरा, आज अमेजोन से डिलीवरी हो चुका है। तो मैं उसी कैमरा का ऊपर एक ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है। इस कैमरा का ऊपर थोड़ा डिटेल्स से आप लोग को बताएंगे और ये कैमरा में क्या फायदा है और क्या नुकसान है और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज है, तो वो आप लोग को देखने मिलेगा। तो मेरा वीडियो में बने रहे, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा जो मेमोरी कार्ड है उसका पैकेट है। ये पूरा सील्ड पैकेट है अमेजोन का। तो पहले मेमोरी कार्ड से शुरू करता हूँ। ये आपका सैंडिस्क का है, 128 GB का सैंडिस्क मेमोरी कार्ड है जो मैंने अमेजोन में कैमरा का साथ ऑर्डर किया था। ये 4K वीडियो के लिए बहुत ही बढ़िया मेमोरी कार्ड है। अभी मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। ये अमेजोन का फुल सील्टेड पैकेट है और इसमें एक्शन कैमरा है। आप लोग देखिए इसमें कौन सा कंपनी का कौन सा एक्शन कैमरा निकलता है। मैं बोलने से ज़्यादा आप देख के मज़ा आएगा। ये अमेजोन का देखिए पूरा सील्ड पैक है, इसमें फुल सील पैक्ड प्रोडक्ट है। ये बिल है, इसमें सामान का पूरा डिटेल्स रखा हुआ है। इसमें आपका 39,989 रुपीज़ का बिल है। ये ऑलमोस्ट आप सोच लीजिए ये 40,000 का आसपास ही गिरा है। ये आपका 11 रुपया कम 40,000 के लिए, 39,989। और जो मैंने मेमोरी कार्ड लिया और मेमोरी कार्ड को मिला के इसमें आता है आपका टोटल प्राइस 41,084 रुपीज़। ये देखिए कैमरा है DJI Osmo Action 3। DJI ब्रांड एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इस कंपनी ने बहुत सारा कैमरा बनाया है, इसमें ड्रोन भी इंक्लूडिंग है। ये लोग ने ड्रोन कैमरा भी बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रोन कैमरा बनाया है। तो चलो इसको हम धीरे से ओपन करता है। अच्छा खासा इसमें सील्ड पैक है। DJI Osmo Action 3 Adventure Combo, ये है DJI Action 3 Adventure Combo।
मैंने एडवेंचर कॉम्बो लिया हूँ, तो इसमें आप देख पा रहे हो पूरा डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है। ये सील्ड पूरा यहाँ से खोलना पड़ेगा। ये कुछ डीजे स्टोर का एक क्यूआर कोड का कागज है। ये बैटरी है, देखिए इसमें तीन बैटरी रखा हुआ है, एक नहीं दो नहीं तीन, ये कम्बो में मिलेगा आपको। एडवेंचर कम्बो में तीन बैटरी रहता है। और इसका ये सबसे बढ़िया है कि आप कैमरा से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप इधर में पॉइंट है जो डाटा केबल डाल के इसमें आप चार्ज कर सकते हो, कैमरा का ज़रूरत नहीं है। इसमें डायरेक्ट आप प्लग कर देंगे तो ये चार्ज हो जाएगा। इसमें डिटेक्ट करता है जो बैटरी, तीनों बैटरी है इसमें, तीन का डिटेक्ट है। ये सबसे बढ़िया चीज़ है, आप इसको कहीं भी डाल के वेरी इजी लेके आप घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा एक पाउच टाइप का है। और दूसरा आता है इसमें एसेसरीज, एसेसरीज में आपका ये कैमरा का माउंट करने वाला, और ये कैमरा का लेंस में लगाने वाला प्रोटेक्टर, इसके बाद ये स्क्रू, ये एक स्क्रू, दो स्क्रू, ये भी है एसेसरीज। और ये दो दिया है मैग्नेटिक माउंट, इसमें आपको दो मैग्नेटिक माउंट मिलेगा। क्या काम में आता है तो आपको मैं इस वीडियो का बीच में आपको दिखाऊंगा, ये मैग्नेटिक माउंट जो है कौन सा काम में आता है। दो मैग्नेटिक माउंट है कौन सा काम में आता है तो मैं थोड़ा बाद में आपको दिखा रहा हूँ। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये कि ये एक्शन कैमरा DJI Osmo Action 3, तो ये कैमरा मैंने क्यों चॉइस किया इसका डिटेल्स भी आपको बताएंगे, आप वीडियो में बने रहे। ये कैमरा मैंने क्यों चॉइस किया, मार्केट में बहुत सारा एक्शन कैमरा है, फिर मैंने ये क्यों चॉइस किया। और फिलहाल तो एक्शन 4 भी आ चुका है जो लेटेस्ट मॉडल है DJI का, लेकिन मैंने एक्शन 4 ना लेते हुए एक्शन 3 को लिया। क्यों लिया इसका डिटेल्स हम आपको पक्का बताएंगे। ये खोल दिया हूँ, पीछे में इस टाइप का है, बहुत ही बढ़िया। इसमें
ये इसमें बैटरी इन होगा, इसमें बैटरी इन होगा, ऐसे मैंने यहाँ से एक बैटरी निकाला और ये बैटरी मैं यहाँ डाल दिया और मैंने स्विच ऑन किया। ये देखिए ऑन हो गया। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोला है और इसमें आपको ये लेंस का ऊपर का ये ढक्कन भी आप खोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये नहीं खोल सकते, आप ये भी खोल के आप निकाल सकते हो। बहुत ही बढ़िया, अब मुद्दे पे आते हैं, मैंने ये एक्शन कैमरा क्यों लिया। देखिए मार्केट में बहुत सारा एक्शन कैमरा है लेकिन मैंने ये एक्शन कैमरा क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि मैं एक स्नेकहेड एंगलर हूँ, तो स्नेकहेड फिशिंग करता हूँ। तो स्नेकहेड फिशिंग में क्या होता है, आपका वीडियो कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वीडियो कैमरा बंद हो जाएगा तो उस टाइम में हो सकता है आपका जो फ्रॉग लूर है उसमें अटैक हो सकता है, और जिस वजह से कैमरा का बैटरी का डाउन होने का वजह से आपका वो वीडियो बन नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैंने ये कैमरा खरीदा है कि इसका सबसे प्लस पॉइंट है बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप इसका लगभग आपका अगर फुल चार्ज कर है तो 1.5 घंटा आपका ये काम करेगा, और बाकी कैमरा जितना भी कैमरा हो जो 40 से 50 हज़ार के अंदर में, तो वो सब का क्या होता है कि बैटरी बैकअप आपका आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट, उसके बाद उसका बैटरी बैकअप ख़त्म हो जाता है। तो हम लोगों को क्या होता है कि स्नेकहेड कब अटैक करेगा कोई पता नहीं, कैमरा ऑन रखना पड़ता है, तो अगर बैटरी बैकअप ही नहीं रहेगा, आपका कैमरे में बैटरी ही नहीं रहेगा, तो वो इस टाइप का एक्शन कैमरा लेके क्या फ़ायदा। तो इसीलिए इसका सबसे प्लस पॉइंट है इसका बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है। ये अगर आपने 80% चार्ज 18 मिनट में हो जाता है, ये इसका मतलब फर्स्ट चार्ज सिस्टम भी है कि 18 मिनट में 80% चार्ज हो जाता है, और फुल चार्ज के लिए 50 मिनट्स का ज़रूरत है, 50 मिनट्स में ये फुल चार्ज हो जाता है। तो इसीलिए इसका बैटरी बैकअप में नंबर वन है, ये कोई कैमरा इसका मतलब इसको पीछे नहीं कर सकता है इसका बैटरी बैकअप में। फिर आता है दूसरा ओवरहीट। ओवरहीट क्या होता है, दूसरा जो एक्शन कैमरा है महंगा कैमरा में से जैसे 40-50 हज़ार के अंदर, तो उसमें क्या होता है ओवरहीट होके आपका कैमरा बंद हो जाता है, जो जिसका वजह से आपका वीडियो बनाने का टाइम में वो वीडियो रुक जाता है, और जिसका वजह से आपका वीडियो सही से नहीं बन पाता है। तो ओवरहीट होने से आपका कैमरा कम से कम 3-4 मिनट तक वो बंद रहता है। तो इस कैमरा में उस वो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें क्या है क्या है कि ओवरहीट बिल्कुल ही नहीं होता है। ये आप एक बार डाल लो बैटरी और बस चलाते रहो बिंदास, इसमें ओवरहीट बिल्कुल ही ओवरहीट नहीं है। और थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपका जो वाइड एंगल और जो इस टाइप का फोटो खींचना है या इस टाइप का फोटो खींचना है तो तुरंत आप इसमें ये कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक सिस्टम है, बाकी जो एक्शन कैमरा है उसका स्क्रू सिस्टम है, जो एक बार लग गया तो उसको निकाल के फिर आपको वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है कि तुरंत ये आपका
इसको बंद कर देता हूँ, ये ऑन हो रखा है। हाँ, बंद हो चुका है। तो इसमें क्या है कि ये मैग्नेटिक सिस्टम जो है ये बिल्कुल इस टाइप का मैग्नेटिक है, तुरंत आपका ये पुश करने से खुल जाता है, तुरंत आपका देखिए मैग्नेट लग गया। और आप इस टाइप का वीडियो बना सकते हो इस टाइप के, और फिर इसको खोल के जैसे कि आप अभी सेल्फी वीडियो बनाना है, हाथ में ले लेना है कैमरा, तो इसको फिर प्रेस करने से तुरंत निकल जाता है। तो इसको निकल के आप फिर सेल्फी वीडियो बना सकते हो, जैसे ऐसे घुमा के वीडियो बनाना है या ऐसे हाथ में लेकर अपना सेल्फी वीडियो बनाना है, फिर आपको चेस्ट माउंट में माउंट करना है, फिर बस जस्ट ऐसे देने से तुरंत वो इसमें फिट हो जाता है। और इस ये सबसे प्लस पॉइंट है, क्योंकि एक बार चेस्ट में फिट होने का बाद, जैसे दूसरा कंपनी का जो कैमरा है, एक बार चेस्ट में फिट होने का बाद इसको जब स्क्रू लग जाता है तो खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें वो खोलने का समय बिल्कुल नहीं लगता है, जिसका वजह से आप तुरंत इसको निकाल के सेल्फी वीडियो भी बना सकते हो, और तुरंत निकाल के आपको आप चेस्ट में माउंट करके या कहीं पे भी माउंट करके आप वीडियो बना सकते हो। इसका ये 3 प्लस पॉइंट है। बाकी इसमें और दूसरा चीज़ ये है कि बैक से भी आपका टच स्क्रीन है और फ्रंट से भी आपको टच स्क्रीन मिलेगा। फ्रंट से भी आप चेंज कर सकते हो जैसे सेल्फी में, और बैक से भी कर सकते हो। ये इसका मेन पॉइंट। अभी मैं दोस्तों इसको मैं अपना चेस्ट में माउंट करके आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। लेकिन इसमें और एक चीज़ है दोस्तों, और एक जो एडवेंचर किट में और एक चीज़ है, ये आपका सेल्फी स्टिक आप देख रहे हो, ये आपका सेल्फी स्टिक भी इसमें मिलेगा आपको। बिल्कुल DJI का ब्रांड से बना हुआ सेल्फी स्टिक है, और ये सेल्फी स्टिक दोस्तों बहुत ही लंबा है। ये आप मैं निकालूंगा, आप देखिएगा, ये काफ़ी लंबा सेल्फी स्टिक है। ये दोस्तों देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी लंबा सेल्फी स्टिक है। इसको मैं नापी करता हूँ, जो मेरे पास एक वो है टेप है, तो मैं अपना बेटा को बोलूँगा थोड़ा वो मुझे हेल्प करे, वो एंड में लगाओ बाबू, एंड में लगाओ। तो ये एंड में लगाया, और मैं यहाँ में आपको दिखा रहा हूँ, ये आ गया आपका 4 फीट 8 इंच, 4 फीट 8 इंच। देखिए आप लोग को दिखाई देगा, ये देखिए कितना, काफ़ी लंबा है ये सेल्फी स्टिक। तो ये कॉम्बो पैक में आपको ये सेल्फी स्टिक भी मिलेगा बिल्कुल, और इसको छोटा भी कर सकता है, ऐसे घुसा के आप ये एकदम बिल्कुल छोटा छोटा साइज का बन गया, देखिए बिल्कुल छोटा साइज का बन गया। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को चेस्ट में माउंट करके दिखाता हूँ इसको तुरंत माउंट और अनमाउंट कैसे होता है। जो चेस्ट बेल्ट है उसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप देखते रहिए मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कुछ इसमें कमेंट करना चाहता है तो इसका ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं चेस्ट बेल्ट अमेज़न से ख़रीदा था, तो उसी चेस्ट बेल्ट का ऊपर मैं अपना एक्शन कैमरा माउंट करने जा रहा हूँ। तो ये मेरा एक्शन कैमरा है, और उसका ये कवर टाइप का है माउंट करने वाला। इस कवर से क्या होता है, वर्टिकल और वाइड एंगल, आप जैसे ही आपको जिस टाइप में आपको कैमरा माउंट करना है उसी टाइप में ये माउंट हो जाएगा। तो ये भी इसी का साथ ही आता है, तो इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ,
ऐसे ये बॉक्स है, उसमें इसको आपको डालना है कैमरे को। ये कैमरा मैंने डाल दिया और ये लॉक है, ये लॉक डाल दिया, मेरा कैमरा तैयार। तो इसको मैं अभी माउंट करके दिखाऊंगा वर्टिकल वाइट एंगल में। देखिए अभी जैसे ऐसे वीडियो बनाना है तो इसमें जो मैग्नेटिक है तुरंत चिपक जाएगा, ये देखिए तुरंत, कोई टेंशन ही नहीं, बिल्कुल इजी। अब जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और तुरंत मुझे अभी इसको खोल के मेरा सेल्फी वीडियो लेना है, तो बस आपको इसको यहाँ प्रेस करना है और ये निकल गया। निकलने के बाद आप ऐसे करके बस अपना सेल्फी वीडियो बनाओ। और जैसे कि अभी इस टाइप में मैं लगाया, माउंट करा, तो अभी मैं कर रहा हूँ इस टाइप से माउंट। अभी देखिए ये भी बहुत, इस टाइप का भी बहुत शॉर्ट्स वीडियो बनता है, तो इस टाइप का अगर बनाना है बस इसको ऐसे डालो, ये बिल्कुल इस टाइप में फिट हो गया। इजी प्रोसेस, आपको कोई माथा पीछे करने की जरूरत नहीं है, तुरंत खोलो यूं। आप इसमें जो नीचे में ये है, अब देखने का भी जरूरत नहीं, बस ऐसे प्रेस करो, ये खुल जाएगा, खुल गया। और फिर इसको ऐसे ऐसे जस्ट ऐसे बिठा दो, बस बैठ गया, चुंबक टाइप का है, मैग्नेटिक। तो इसमें क्या होता है, आपका समय वेस्ट नहीं होता है, बिल्कुल इजी, फटाफट आप अलग अलग टाइप का वीडियो, आप जैसे चाहो वैसे वीडियो बना सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो आप लास्ट तक देखा है, तो इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। कैसा वीडियो हुआ और ये सामान जो प्रोडक्ट है उसमें क्या आपको अच्छा लगा, तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।